सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर नेहा मैम। आई वंस अगेन वेलकम यू टू द फोर्थ सेशन ऑफ योर चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। नाउ वी गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। वी नो द सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स आर द फाइबर्स विच आर प्रोड्यूस्ड विच आर प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स इन द लेबोरेटरीज बाय ह्यूमंस। यानी इंसानों द्वारा लेबोरेटरीज में केमिकल्स से बनाए जाने फाइबर्स वाले फाइबर्स को हम मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ यूज रेंजिंग फ्रॉम हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप, बकेट्स, फर्नीचर, कंटेनर्स एट्सेट्रा to highly specialized uses in aircraft, ships, spacecrafts, healthcare, etc. Synthetic fibers का natural fibers के comparison में काफ़ी large scale पर use किया जाता है, चाहे वो household में हो या बड़े बड़े aircraft बनाने में, ships बनाने में या spacecrafts को बनाने में या आपकी हेल्थ केयर से रिलेटेड हो। सो मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स आर वाइडली यूज इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स। Synthetic fibers and plastic are made up of molecules called polymers. Normally synthetic fibers जो बने होते हैं वो polymers से मिलकर तैयार किए जाते हैं। और polymer, what is the meaning of polymer? And a polymer is a large molecule formed by combination of many small molecules, each of which is called a monomer. अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊँ तो आप सबने अपनी घर में माला देखी होगी, मोतियों की माला या फिर बीजों की माला। आप उसमें देखते हैं कि बहुत सारे मोतियों से मिलकर एक माला बनी होती है। तो इस केस में हम पूरी माला को एक पॉलीमर मान सकते हैं और जिन छोटे छोटे मोतियों से मिलकर वो माला बनी होती है उसे हम मोनोमर कह सकते हैं। यानी छोटे छोटे मोनोमर्स को मिलाकर, मोनो का मीन्स एक, मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स मैनी, यानी जब बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइंड होते हैं तो वो एक पॉलीमर को बनाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज पॉलीमर फ्रॉम द मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। कैन यू सी अ मोनोमर? A monomer is a very small molecule, whereas a polymer, you can see, it is a long chain molecules made up of repeated parts of monomers. Properties of synthetic fibers. The properties of synthetic fibers are as follows. They quickly dry up, वो बहुत जल्दी सूख जाती हैं क्योंकि बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। यानी कि अगर synthetic fibers को धोल के सुखा दिया जाए तो वो बहुत जल्दी ही सूख जाती हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, means they are very durable. इट मीन्स दैट दे कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उनको काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है बिकॉज दे आर ड्यूरेबल, दे आर लेस एक्सपेंसिव, दे आर रेडिली अवेलेबल, दे आर ईजी टू मेंटेन एंड डू नॉट नीड एक्स्ट्रा केयर। यानी कि उनको लंबे पीरियड तक हम संभाल के रख सकते हैं, कम एक्सपेंसिव होते हैं, मीन्स आसानी से मिल जाते हैं और उनको मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। नाउ काइंड्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। Normally there are different kinds of synthetic fibers: rayon, polyester, nylon, acrylic and plastic. First let us talk about rayon. This is a type of synthetic fiber obtained from wood pulp. इसे wood pulp से obtain किया जाता है। ये काफ़ी soft, absorbent और comfortable होता है। इसे अलग अलग colors में dye करना बहुत easy है। Rayon को हमेशा cotton के साथ mix कर ही use किया जाता है और bedsheets बनाई जाती हैं। कारपेट्स को बनाने के लिए रेयॉन को वुल्स के साथ मिक्स या मर्ज किया जाता है। नायलॉन, दिस टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। यानी नायलॉन को कोल, पानी और एयर की मदद से तैयार किया जाता है। नायलॉन बहुत ही ज़्यादा लस्टरस, मींस बहुत शाइनी होता है, इसे धोना बहुत आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है। ये बहुत जल्दी सूख जाता है और अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है। नायलॉन फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन सीट बेल्ट ऑफ कार, स्लीपिंग बैग, सॉक्स, रोप एट्सेट्रा। यानी नायलॉन का इस्तेमाल सीट बेल्ट को बनाने में, कार की सीट बेल्ट बनाने में, स्लीपिंग बैग बनाने में, रॉक रोप्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नायलॉन को रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं उसको बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। पैराशूट्स और फिशिंग नेट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। Why? Because nylon is very strong. Nylon बहुत ही strong होता है और बहुत durable होता है, इसीलिए इसको mountain climbers जो ropes बनाई जाती हैं वो इसी से बनाई जाती हैं। Because it has to be strong so that it does not break while the people are climbing the mountain. Okay? Next is polyester. This type of synthetic fiber is obtained from coal, water, air and petroleum.
पॉलीएस्टर इज मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल नोन एज एस्टर्स. जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, पॉली मीन्स मैनी, एस्टर मीन्स एस्टर, यानी जब बहुत सारे एस्टर मिलते हैं तो पॉलीएस्टर बनता है. पॉलीएस्टर को वॉश करना बहुत ही ईजी है. इट्स रिंकल्ड रेसिस्टेंट, यानी इसमें रिंकल नहीं पड़ते, यानी ये सिकुड़ता नहीं है. इट इज़ क्वाइट सूटेबल इन मेकिंग ड्रेस मटीरियल, और कपड़े यानी पहनने के लिए कपड़े बनाने में इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है. पॉलीएस्टर अपनी शेप को मेंटेन करता है और बहुत ही क्रिस्प मीन्स बहुत कड़क होता है. पॉलीएस्टर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग रोप, नेट, रेन कोट, जैकेट्स एक्सेट्रा. एक्राइलिक, इट इज़ वार्म एंड लाइट वेटेड. इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सीबल. एक्राइलिक फाइबर इज ऑफन यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, कैशमियर जैकेट्स, शॉल्स एंड ट्रैक सूट्स. इट इज़ ऑल्सो यूज एज लाइनिंग फॉर बूट्स एंड ग्लोव्स, एज वेल एज इन फर्निशिंग फैब्रिक्स एंड कारपेट्स. इट इज़ यूज इन क्राफ्ट यार्न्स, बोथ सेल्स एंड व्हीकल कवर्स. Now, what are the advantages of synthetic fiber? In the beginning of the session only, I have told you that why a synthetic fiber are readily used. First thing, they are available in different colors. Okay, काफ़ी इलास्टिक होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं, कम एक्सपेंसिव होते हैं, रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, दे आर वेरी ड्यूरेबल, ड्राइज अप वेरी क्विकली. ये नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में चीपर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन सस्टेन हैवी लोड. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और भारी से भारी वजन को भी कैरी कर सकते हैं. वेरी इलास्टिक, और उनको काफ़ी हद तक स्ट्रेच किया जा सकता है. वेरी ड्यूरेबल एंड रिंकल रेसिस्टेंट. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ड्यूरिंग द एक्सप्लेनिंग फर्स्ट सेशन आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट सिंथेटिक फाइबर्स आर अनकम्फर्टेबल व्हेन यू वेयर देम, वेयर एज नेचुरल फाइबर्स आर वेरी कम्फर्टेबल. मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, येस. दैट्स वाई वी प्रेफर कॉटन क्लॉथ्स इन समर्स, क्योंकि कॉटन काफ़ी अच्छा एब्जॉर्बेंट है और हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करके हमें कूल फील कराता है. जबकि आपके सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो उनकी एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी नहीं होती है, यानी कि वो वाटर को या स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. सिंथेटिक फाइबर्स कैन इफेक्टेड इफ वॉश ड्यूरिंग यूजिंग हॉट वाटर, अगर गर्म पानी से इनको धोया जाए तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं. दे आर वेरी इनफ्लेमेबल, मीन्स ये बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं. Now here is your assignment work. I hope you all have understood the chapter. If you have any doubts regarding this chapter, that we will study in the online session. That means online when we will do the online class, during that time you can write down and keep all your doubts with you. So when there will be an online class, that time I will be clearing all your doubts. And here is your assignment work. Give reasons, most of probably short answers, one word and assignment, and give reasons. I have given you the answer, whereas the long, can you see there are three long questions I have given you. Describe the process by which wool is prepared. Describe the method production of silk in form of flow chart. How is weaving different from knitting? This all I have given you in the notes. Notes mein kafi deeply aur kafi acche se iske notes available hain aur ye answers aapko mil jayenge. So you have to write these answers, the three answers yourself, whereas the short answers, single sentence answers and give reasons I have done for you. Do your work on time and submit it. So take care and have a nice day.